हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो देखिए, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज से सीनियर ऑफिशियल। तो सीनियर ऑफिशियल ने क्या बोला है कि इंडिया जो है आपका एनर्जी यूज से कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये बात कहाँ की हो रही है हम लोग समझ गए, COP28 की। इंडिया विल बींग कमिटेड टू एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट बी बाउंड बाय रिस्ट्रिक्शन। तो रिन्यूएबल एनर्जी को तो बढ़ाता रहेगा, पर ये किसी रिस्ट्रिक्शन से बाउंड नहीं होगा। ऑन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेस इट कैन और कैन नॉट यूज, लीना नंदन, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, टोल्ड द हिंदू। तो इन्होंने बोला इंडिया काम करेगा आपके किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेगा, पर रिस्ट्रिक्शन नहीं मानेगा किसी भी चीज़ की। कोई नहीं बता सकता, भाई आप ये मत यूज़ करो, आप ये यूज़ करो। ऑन सैटरडे एट COP28 इंडिया वॉज कॉन्स्पिशियसली एबसेंट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 118 कंट्रीज साइंड ऑन टू अ प्लेज टू ट्रिपल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो इस लिस्ट में इंडिया नहीं था, जो बोल रहे थे इन टू थ्री टाइम्स किया जाए। द एलिशन वॉज ऑड एज इंडिया वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ ट्रिपलिंग एनर्जी कैपेसिटी बिगिनिंग विथ अ मेंशन इन द G20 डिक्लेरेशन टेक्स्ट दिस सेप्टेम्बर। तो ये जो ट्रिपलिंग इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी था, इसको इंडिया ही इसका मेन प्रोपोनेंट था, स्टार्ट किया था, पर इंडिया जब वो साइन हुआ 118 कंट्रीज में, तो इंडिया उसमें है ही नहीं। नो मेजर प्लेज, इंडिया सो फार हैज़ ऑल्सो नॉट साइंड ऑन टू अनदर मेजर प्लेज साइन बाय 123 कंट्रीज ऑन संडे, नेमली द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो इंडिया इसको भी साइन नहीं किया। द लेटर वॉज प्रीकर्सर टू द फर्स्ट एवर हेल्थ डे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एट अ क्लाइमेट समिट। तो ये हेल्थ डे ऑर्गेनाइज हुआ है क्लाइमेट समिट पे। द डिक्लेरेशन इंकरेजेस गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड प्रिपेयर हेल्थ केयर सिस्टम टू कोप विद क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट सच एज एक्सट्रीम हीट, एयर पोल्यूशन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। बोथ ऑफ दिस टेक्स्ट थॉट स्टिल ड्राफ्ट एंड फार फ्रॉम हैविंग लीगल सेंसिटी लिंक क्लाइमेट एंड हेल्थ गोल्स टू रिस्ट्रिक्टिंग फॉसिल फ्यूल एमिशन। द ड्राफ्ट ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज एज ऑफ टुडे सेज रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट मस्ट बी अकम्पेन्ड इन दिस डेकेड बाय रैपिड इंक्रीज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट एंड द फेज डाउन ऑफ अनएबेटेड कोल पावर, इन पर्टिकुलर एंडिंग द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन अनबेटेड न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट। तो इंडिया इसीलिए इसको साइन नहीं किया है। अनएबेटेड कोल पावर रेफर टू रनिंग कोल पावर प्लांट विदाउट टेक्नोलॉजी डेट स्टोर एंड कैप्चर कार्बन। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप कार्बन रिलीज कर रहे हो, बस उसको स्टोर और उससे इन्वायरमेंट बचाने का कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आपने लगाया नहीं है अभी। नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन नजेस्ट टू शन कोल पावर रन कॉन्ट्रेरी टू इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन डेट इट नीड्स टू रिलाई ऑन इट्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कोल पावर टू रेपिडली इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर द मास ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ ऑल्सो रिहाइड्रेटेड इट्स राइट टू यूज कोल ऑन ग्राउंड्स दैट इट्स हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कार्बन क्राइसिस हैज़ बिन नेग्लिजिबल एज बिलो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा एमिशन ऑफ 4%। इंडिया का कितना है, 3% है। तो और ये ग्लोबल एवरेज है, ठीक है, ये ग्लोबल एवरेज है। अभी यूएसए, यूके और चाइना की बात करेंगे तो वो तो, रशिया की बात करें, जापान की बात करें तो बात ही अलग है। ये तो एवरेज है 4%। हेल्थ इम्पैक्ट द क्लाइमेट हेल्थ डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू एन अकम्पनिंग प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द COP प्रेसिडेंसी मेंशंस द नीड टू रिड्यूस द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बियॉन्ड द हेल्थ सेक्टर एंड इंक्लूड न्यू इनिशिएटिव टू ड्राइव रैपिड डिकार्बनाइजेशन टू रिड्यूस एमिशन। India's discomfort lies in linking the objective of this declaration to cutting specific categories of emissions. We need cold storage for storing vaccines and medicines, and these are linked to making our healthcare system resilient. However, suggestions that using this are contributing to climate emission and that we must choose some fuel over the other are not acceptable, said Mrs. Nandan. Though it is still nearly day of COP28 negotiation, which is expected last at least until December 12 this year,
इंडिया वुड बी कंस्ट्रक्टिव बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ डिनाइंग एनर्जी एक्सेस टू दोज एट द मार्जिन ऑफ डेवलपमेंट, शी एडेड। तो इन्होंने साफ बोला इंडिया तो भाई कंस्ट्रक्टिव हेल्प करेगा ही, पर अगर बोले कॉम्प्रोमाइज करके करे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा तो ऐसा कंट्रीब्यूशन अभी तक ऐसा खराब हुआ ही नहीं है कि हम अभी हमें भी तो डेवलप होना है, सिंपल सी बात। अकॉर्डिंग टू इंडियाज लेटेस्ट कम्युनिकेशन टू द यूनाइटेड नेशन, इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज 4% फ्रॉम 2016 टू 2019 टू 2.6 बिलियन टन ऑफ CO2। द एनर्जी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ द ओवरऑल एंथ्रोपोजेनिक एमिशन 75.81%, फॉलोड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर 13.44%, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज IPPU सेक्टर 8.41% एंड वेस्ट 2.34%। अब देखिए इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए डेटा कि एनर्जी एग्री कल्चर, और आप देखिए यहाँ पे और था एंथ्रोपोजेनिक एमिशन, तो ये एनर्जी सेक्टर से आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर कितना है, 78 है, नियरली 78%। ये कितना है आपका, 13%। और आप देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस IPPU, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपका हो गया कितना, ये है आपका 8.41%, एंड वेस्ट कितना है, 2.3%। वेस्ट है आपका 2.3%, 1, 2, 3, 4। ये जो फैक्ट है इंडिया का कार्बन एमिशन, इंडियाज कार्बन एमिशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा एनर्जी ये एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब जानबूझ के निकाल रहे हैं, मैन मेड है, मतलब सिंपल सी बात मैन मेड, ठीक है। ये एक मैन मेड हो गया एक चीज। अब आप देखिए इसमें एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका किधर गया, अनअबेटेड कोल पावर प्लांट। कोल पावर प्लांट इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है टू स्टोर एंड कैप्चर कार्बन, नो टेक्नोलॉजी टू स्टोर एंड कैप्चर कार्बन, ठीक है। सिक्स COP28 हमें पता है, इसमें इंडिया का स्टांस क्या है, वैसे इंडियाज स्टांस हमारा जो ग्लोबल एमिशन है इंडिया का वो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा से भी कम है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। सो वी नीड टू डेवलप एंड देयर फॉर वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो अभी तक तो हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ही कम है, इसीलिए हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसके लिए, पावर यूज़ करने में। दूसरी बात से ट्रिपल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी साइंग हुआ है, इंडिया साइंग नहीं किया है, 118 कंट्री साइंग की है। तो ये आपका सेवन्थ पॉइंट हो गया। और एट्थ पॉइंट देखिए, एक डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एंड हेल्थ, एट्थ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इंडिया इसको भी साइन नहीं किया है। तो इंडिया इसको, सेवन एट को इंडिया साइन नहीं किया है, इंडिया नॉट साइन, सिंपल सी बात। क्यों, क्योंकि इंडिया को रिस्ट्रिक्शन पे नहीं रखना है, अपना उसको यूज़ करना है। इंडिया का स्टैंड COP28 में यही है। तो इतना ही था, और हमने कल देखा था डैमेज एंड लॉस फंड आया है, लॉस एंड डैमेज फंड इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। तो बस इतना ही था। थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।